हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं सी टेट में जो साइको आती है या पी टेट में आती है उससे रिलेटेड एक जीन पेजे का टॉपिक है। उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पेजे के सिद्धांत को कौन से सिद्धांत के साथ जाना जाता है? वो है स्टेज सिद्धांत। जीन पेजे कौन से देश का मनोवैज्ञानिक था? वो था स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे का सिद्धांत विकास की कौन सी अवस्था पेश करता है? ये करता है बालकों की अवस्था। जीन पियाजे का सिद्धांत व्यवहार के कौन से रूप से संबंधित है? वो है संगठनात्मक व्यवहार। यदि अध्यापक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर गलती कर जाता है तो उसे करना चाहिए, उसे भूलने का प्रयास करें, उसके प्रति अनजान बन जाएं, उसके प्रति ज्ञानी बन जाएं। राइट आंसर है अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत विकास के कौन से पक्ष से संबंधित है? वो है नैतिक पक्ष। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? वो हैं तीन। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? वो अवस्थाएं हैं छः। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है मनोविज्ञान की। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन से मूल्यों का वर्णन किया गया? इस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कोई भी मूल्यों का वर्णन है जो नहीं किया गया। कोहलबर्ग के सिद्धांत अनुसार कौन सा नैतिक विकास सतर है? रीति अनुसार से पूर्व सतर अवस्था डी है जो इसका आंसर। मौलिक अवस्था पर शिक्षण अध्यापन कार्य करना अध्यापक के लिए है वो है चुनौतीपूर्ण। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? वो है सामाजिक अनुक्रिया। वाइगोत्स्की कौन से देश का मनोवैज्ञानिक था? वो था रूस का। पियाजे था वो स्विट्जरलैंड का था, वाइगोत्स्की रूस का था। संगठनात्मक विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? वो है भाषा, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में। पियाजे ने बच्चे के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं की पहचान की है? वो है चार अवस्थाएं। निम्नलिखित में से जे कथन किसका है? संगठनात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है वो है जीन पियाजे। पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की सदी का दृष्टिकोण किसके लिए है? बालक के विकास के लिए। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का प्रयोग करता है, ये कथन किसका था? ये था जीन पियाजे का। पियाजे ने बच्चों के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा है, सात्मीकरण। पियाजे अनुसार कितनी वर्ष की आयु तक बालक में संगठनात्मक परिपक्वता का प्रभाव पाया जाता है? वो है 1.5 वर्ष। सो फ्रेंड, ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।